सकती है। चलते हैं सीधा ओवरऑल स्टैंडिंग पे और देखेंगे अब आज के दिन पे कौन सी टीम टॉप पे रहने वाली है। क्या वो एसजी रहेगी, क्या वो ओजी की स्क्वाड रहेगी या फिर कोई और? चलिए एसजी की स्क्वाड ही रहेगी। 53 उनके पास रहेंगे, अंक और अंगटन की बात करी जाए उनके पास भी 53 रहेंगे। प्लेसमेंट पॉइंट ओजी के पास थोड़े से कम, मात्र एक कम है, इस वजह से आपको वो देखने को मिलेंगे पहले स्थान पे। ओ देखने को मिलेंगे वो दूसरे स्थान पे, मैं ओजी की बात कर रहा था। टीम एक्सपार्क को आप देखें, एक विनर विनर चिकन डिनर उन्होंने भी निकाला, 24 फिनिशेस उन्होंने भी निकाला, 51 अंक उनके पास रहेंगे। जी हैदराबाद हाइड्रास जिनको हमने तीसरे पेज पे देखा था, जहां पे वो रहते हैं वहां पे एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगे और बिना चिकन डिनर के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हैदराबाद हाइड्रास वो अगर दोनों मैचेस अच्छे जाते अंडाउटली ये टीम ऑन टॉप हमें नजर आ सकती थी। बट मैं बोलूंगा इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने शुरुआत अच्छी करी है उसी पे ही कोशिश कीजिए, उसी पे ही यहाँ पर कोशिश कीजिए और भी ज्यादा इनहेंस कर पाए परफॉर्मेंस को। टीम एक्सो 38 अंकों के साथ 9वें पायदान में, 7C 38 अंक। FS Esports की हम बात करें 33 अंक है और ये टीम थोड़ा सा आप देखिए हैरानी जरूर रहेगी कि चिकन डिनर होने के बावजूद भी दूसरे चार्ट पे अपने आप को पा रहे हैं। TSM Revenant Hydra Official RE Sports, चार चार मैचेस इतने बढ़िया आज के दिन नहीं रहे, बट देखते हैं कि कल का दिन उनके लिए कैसा जा सकता है। वहीं पे टीम 8bit की बात करेंगे, 19 अंक। टीम सोल के लिए भी बढ़िया दिन बिल्कुल भी नहीं रहा, मात्र केवल 2 प्लेसमेंट पॉइंट। 8bit की बात करेंगे, 3 प्लेसमेंट पॉइंट वो सब लेके गए, प्लेसमेंट पॉइंट पे बिल्कुल इस वक्त फोकस चल नहीं रहा है इन दोनों टीम्स का। 18-19 अंक लेके बैठेंगे फिलहाल के लिए। Kemin Esports की बात करें 17 अंक। Godlike की बात करी जाए उनके पास 16 अंक हमें देखने को मिलने वाले हैं टोटल। रिवेंज टीम इनसेन, एनिग्मा फॉरएवर, ट्रू रिपर्स मुश्किलें उनके लिए ज्यादा है।